जय माता दी। मेरा नाम भारत भूषण भट्ट, मैं टिकर निवासी। मैं टिकर बलादरी की तरफ से, माता खीर भवानी अस्थापन ट्रस्ट की तरफ से आप 160 का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्हें ये रिनोवेशन काम में एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम उठाया है। जो ये टीन शेड जो बनाए थे यहाँ पे, एंट्रेंस जो बोलते हैं, द्वार जो बनाए माता का, इससे बहुत सारी परेशानी आ रही थी। लास्ट ईयर जब स्नो से डैमेज हुआ था पहला वाला, इस बार जो ये कंक्रीट बना, मतलब समझ लो आपके जो ट्रस बना है आयरन ट्रस, इससे यात्रियों को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। क्योंकि जब हम यहाँ पे बर्फ पे चलते हैं तो कोहरे की वजह से काफी ज्यादा इंजरीज होती थी, या बारिश में जब स्लिपरी की वजह से बहुत ज्यादा इंजरीज होती थी यात्रियों को, उससे हमें बहुत ज्यादा सुविधा मिली। जो ये ट्रस बना, माता के द्वार तक हम दर्शन करने के लिए आराम से जा सकते हैं, क्योंकि द्वार पर दर्शन करने के लिए जूते खोल के जाना पड़ता था तो प्रॉब्लम होती थी। अब हम जूते बाहर खोल सकते हैं, अंदर आराम से जा सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है माता का द्वार, कितना भव्य बन दिख रहा है ये माता। अब फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतनी शॉर्ट स्पैन में, शॉर्ट नोटिस में, इतना शॉर्ट टाइम में ये कम्प्लीट करके हमारी, हमारे भवन की शोभा बढ़ा दी। ऑन ईव ऑफ द माइनॉरिटीज राइट्स डे, इंडियन आर्मी रेनोवेटेड एन एंशिएंट टेम्पल ऑफ खीर भवानी in the Tikri village of Kupwara district in North Kashmir. Devotees from different parts of the country, particularly the Kashmiri Pandits, visit this shrine during the year. There is a spring inside this temple where the water of the color inside the spring changes during different seasons of year. That is the faith among the devotees that it is the another temple of the Khir Bhavani in North Kashmir. On the eve of the Khir Bhavani Mela here in the Srinagar in the Gandharbal district, most of the devotees also visit the shrine of Mata Khir Bhavani in Kupwara.